हाँ हम भी आ जाए इसी को। हाँ माई सेल्फ मनोज कुमार और NST कानपुर। आज मैं आपको लेथ के बारे में, इसके पार्टों के बारे में समझाऊंगा कि किसको क्या बोलते हैं। ये आपका हेड स्ट्रोक है, ठीक, इसे हेड स्ट्रोक बोलते हैं। ये स्पेंडल है, इसके बीच में जो लगा है ये आप देख रहे हैं, इस पर चक्र है। उसके बाद ये टेल स्ट्रोक है। फिर अगर नीचे से लिया तो ये है बेड है, ये बेड है और ये बेड है आपका, ये बेड है ये वाला, ठीक है, ये गाइड है, ठीक है, ये बेड है, ये बेड की गाइड है, ठीक है। और ये ट्रे है नीचे सबसे, ठीक, ये एप्रन है, ठीक है, ये पूरा जो चल रहा है ये कैरिज है, ठीक, ये क्रॉस राइड है, ठीक। उसके बाद एक कंपाउंड टेस्ट है, ये टूल पोस्ट है, ठीक। ये जो टूल पोस्ट का टाइप है वो क्विक रिलीज टूल पोस्ट है, ठीक। अब इसको ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले इसके पीछे मेन स्विच है वो ऑन करना है, फिर यहाँ पर ऑन का स्विच है इसे ऑपरेट करना है, फिर आपको जो स्पीड सिलेक्शन करना है तो यहाँ से आप स्पीड सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद आपको फॉरवर्ड रिवर्स क्या चलाना वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। उसके बाद आपने ये सिलेक्टन हो गए स्पीड, उसके बाद आप अपना जॉब बांध लीजिए, उसको ट्रू कीजिए टूल पोस्ट में। ट्रू करने के लिए, हाँ ट्रू करने के लिए आप सरफेस गेज का प्रयोग करें, इससे आप ट्रू करेंगे। फिर आप टूल को टूल पोस्ट में बांधें, इसको आपको सेंटर में बांधना है। वो दो तरीके से बांध सकते हैं आप, पहला आप जॉब के सेंटर में से मैचिंग कर लीजिए, या टेल स्टॉक में सेंटर लगा के उससे आप टूल का सेंटर हाइट डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें आप फेसिंग टर्निंग ऑपरेशन कीजिए, तो ऑपरेशन के लिए आगे बताया जाएगा।